शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ मया मेरे द्वारा अध्यक्षेण अध्यक्षता के कारण प्रकृति प्रकृति सूयते प्रकट होती है सहित चर चरम जड़ तथा जंगम हेतुना कारण से अनेना इस कौन्तेय हे कुंती पुत्र जगत दृश्य जगत विपरिवर्तते क्रियाशील है। अनुवाद हे कुंती पुत्र यो भौतिक प्रकृति मेरी शक्ति शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है जिससे सारे चर तथा अचर पानी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में इस जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। तात्पर्य यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि अद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं किंतु उसके परम निर्देशक बनी वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवद गीता में भी कृष्ण यह कहते हैं मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है इसी प्रकार परमेश्वर अपनी चित्तवन मात्र से प्रकृति की गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्म के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्येक रूप में आसक्त नहीं होते वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इसी तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती है। चूँकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं इसीलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती ही है किंतु भौतिक जगत के प्राकट से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंध ही मिलती रहती है किंतु फूल तथा सुगंध एक दूसरे से बिलग रहते हैं। ऐसे ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती तो भी भगवान समस्त कार्य से पृथक रहते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्कृते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये पूर्ववर्ती अध्याय आठवां अध्याय जिसका नाम था भगवत प्राप्ति, और इस अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। तो ये दो अध्याय में भगवान मुख्यतया दो चीज के बारे में विश्लेषण तक ज्ञान दे रहे हैं। पहला ये है कि ये जो भौतिक जगत है रहने के लिए ठीक जगह नहीं है, और दूसरा बात आध्यात्मिक जगत में कि आध्यात्मिक जगत की जो सुविधा के बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं। जिस प्रकार भगवान बता रहे हैं मामुपत्ते पुनर्जन्म दुखालयम ओशाशतम ना पुण्यवंती महात्माना संसिद्धि परमागता। तो कई सारे श्लोक में, इसी श्लोक में आगे भी आएगा, किम पुण्य ब्राह्मण पुण्य भक्त राजसोयस तथा अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्त भजस्वमा। भगवान बता रहे अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्वमा। इस जगत का भगवान अनित्य और असुख का लोक बता रहे हैं। तो ये भगवान का ज्ञान देने का एक विशिष्ट शैली है। तो जब तक हम किसी चीज को समझो बुराई के बारे में नहीं जानेंगे तो अच्छाई का समझो समझ नहीं पाएंगे। जिस प्रकार ये भी समझो अभी आप भारत में देख सकते हैं, किसी को हम बताएंगे कि आप भारत छोड़ के हमारे साथ चलिए अमेरिका में काम करने के लिए, तो तुरंत ये प्रश्न करेगा भारत की अपेक्षा मुझे अमेरिका में क्या फायदा मिलेगा। तो उनको भारत की अपेक्षा अमेरिका का जो भौतिक जो सुविधाएं के बारे में उनको बताना पड़ता है। तो इस प्रकार लोग उसको सुन के भारत छोड़ के सब अमेरिका भाग रहे हैं। पहले बताया जाता है कि यहाँ पे जितना आपका समझो किसी भी काम करने से जितना तनख्वाह मिलेगा अमेरिका में कम से कम से 4 से 5 गुना अधिक मिलेगा, और यहाँ पर भारत में और चाइना में एशिया में जितना भी प्रदूषण फैलाने वाली कारखाना है, जितना प्रदूषण फैलाने वाले कारखाना है एशिया में भारत और चीन में अधिकतर, और आप यूरोप और अमेरिका में एक भी प्रदूषण फैलाने वाला कारखाना नहीं खोल सकते हैं कि वहाँ का नागरिक लोग शिकायत करते हैं कि हमारा शरीर के लिए हानिकारक है। तो वहाँ भी एक भी प्रदूषण फैलाने वाले समझो कंपनी नहीं है, सरकार द्वारा अनुमति नहीं है। तो भारत में जितने भी समझो आप गाड़ी देखेंगे उसका जो धुआं छोड़ने का जो पाइप है वो सब नीचे है। अभी समझो दो चक्का का वाहन है उसका जो धुआं छोड़ने का नली नीचे है, वो डायरेक्ट हमारा क्या होता है प्रत्यक्ष रूप से हमारा नाक के अंदर हो रहा है। और विदेश का कोई भी दो चक्का का वाहन देखोगे उसका दो साइलेंसर होगा और ऊपर होगा, चक्का का ऊपर जो सीट का नीचे होगा, तो कम से कम ऊपर जाएगा तो कम से कम धुआं समझो नाक में नहीं घुसेगा। और साथ साथ में आप हमारा भारत में खाली जो ट्रैक्टर होता है उसका धुआं छोड़ने का जो साइलेंसर है ऊपर है, बाकी सब जो 4 चक्का का वाहन जो 6 चक्का 8 चक्का उसका नीचे होता है। अमेरिका में कोई भी 4 चक्का के वाहन का जो धुआं छोड़ने का पाइप है नीचे नहीं रख सकते हैं उसको, वो बस का होगा तो बस का ऊपर होगा, ऊपर होगा, ऊपर से धुआं निकलेगा जो कि कम से कम समझो ऊपर वायुमंडल में जाएगा, कम से कम प्रत्यक्ष रूप से नाक के अंदर नहीं जाएगा। तो इस प्रकार लोग उनको बताते हैं। और भारत में जितने भी हम लोग सब खाद्य वस्तु मिलती है, आप शस्य ले लीजिए, फल ले लीजिए, और किसी भी समझो सब्जियां ले लीजिए, सब में पूरा संक्रमण बीज होता है, और साथ साथ में उसमें पूरा यूरिया डाल के बनाते हैं, तो जो कि पूरा समझो बीज रहते हैं शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। और भारत में कुछ नैसर्गिक वस्तुएं भी है, वो इसको क्या बोलते हैं नेचुरल आइटम बोल के बेचते हैं, वो इतना महंगा होता है कि वो लोग खरीदने के लिए संकोच करते हैं। लेकिन विदेश में आप अगर अमेरिका में
वो भी किसी दुकान में खरीदने के लिए जाएंगे, उसमें लिखा होता है हाइब्रिड और ऑर्गेनिक बोल के, आप ऐसा बिना लिख के बेच नहीं सकते हैं। तो उसमें समझो अगर किसी को सस्ता में चाहिए, कम दाम में चाहिए तो वो ले सकते हैं जहर वाला, लेकिन उसमें लिखना पड़ेगा ये कि जहर से मिश्रित बोल के। तो इस प्रकार जब भी अमेरिका का फायदे के बारे में समझो लोग जानकारी करते हैं तो तुरंत बता देते हैं। तो ये जो एक बताने का शैली होता है, इस प्रकार जब भी हम बाहर का लोगों को बताते हैं कि बोलते आपका आप भौतिक जीवन शैली छोड़ दीजिए, आध्यात्मिक जीवन शैली ग्रहण कीजिए, तो भौतिक जीवन शैली का क्या कमियां है और आध्यात्मिक जीवन शैली का क्या फायदा है, उनको जब भी हम बताते हैं तो तुरंत उनको थोड़ा समझ में आता है। भगवान गीता में बता रहे हैं यज्ञर्थे कर्मण अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौनते यो मुक्त संग परम वर्जित। तो भगवान बता रहे हैं यज्ञ जो भगवान विष्णु का एक नाम है, उनकी प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना चाहिए, नहीं तो इस संसार में बंधन उत्पन्न होगा। उनके लिए जब भी आप कार्य करेंगे तभी आप इस संसार की बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो आध्यात्मिक जीवन शैली यानी भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, और जो भौतिक जीवन शैली है भगवान बोल रहे कुछ भी आप कर्म कीजिए, सकाम कर्म कीजिए, विकर्म कीजिए, तीनों कर्म में संसार में क्या होगा, बंधन उत्पन्न होगा और फिर से क्या है जन्म मृत चक्कर का व्याधि से और फंसता जाएगा। लेकिन जब समझो आध्यात्मिक जीवन शैली ग्रहण करेगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा, तो भगवान बोलते हैं धीरे धीरे उसका संसार बंधन कट जाएगा। तो हम लोग का ये जो भगवान का बताने का एक सुंदर ढंग है कि जिसको हम कमियाँ को समझेंगे, फायदा को समझेंगे, तभी वो अच्छा चीज़ को स्वीकार करेंगे। और हम लोग बोलते हैं आप बिना भोग लगा के मत खाइए, भगवान को भोग लगा के केवल प्रसाद खाइए। तो बिना भोग लगा के खाने से क्या कमियां बताना पड़ेगा, भगवान बता रहे यज्ञ उच्चिष्ट आसीन संत मुच्यंती सर्व किल्बिसी भुंजती तेतु अधम पापम य पचंती आत्म कारणात्। बोलते हैं जो भगवान को भोग लगा के ग्रहण करते हैं और प्रसाद खाने के बाद उसमें कोई पाप नहीं रहता है और खाने से हृदय का शुद्धिकरण होता है, लेकिन जो भगवान को भोग लगा के नहीं खाता है वो बोलते हैं भुंजंती तेतु अधम पापम ये पचंती आत्म कारणत। जो बोलते हैं भगवान को भोग लगा के नहीं खाता है तो उसमें पाप रहता है, और पाप खाने से क्या है अधिक और संसार में फंसता जाएगा। केवल शुद्ध शाकाहारी होना भी समझो कल्याणकारी नहीं है, जब तक भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है उसका जो पाप जो सम्मिलित होता है भगवान अपना दृष्टि निक्षेप करके वो पाप को ग्रहण नहीं कर लेते हैं, उसका शुद्धिकरण नहीं कर लेते हैं, तब तक उस चीज़ में पवित्रता नहीं रहते जो कि हमारा हृदय और मन को शुद्धिकरण करे। तो इसके लिए भगवान बता रहे हैं कि प्रसाद खाने में क्या फायदा है और भोग लगा के प्रसाद नहीं खाने से क्या समझो तकलीफ है। तो आजकल हम लोग बोलते हैं कि आप आयुर्वेदिक लीजिए, आयुर्वेदिक दवाई लीजिए, तो लोग का जिज्ञासा होगा कि एलोपैथिक लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो एलोपैथिक जितना भी समझो औषधियाँ होती है उसमें रोग ठीक नहीं होता है समूल रूप से, वो क्या होता है रोग को कुछ समय के लिए रोकता है और वो रोग अन्य किसी प्रक्रिया से निकलती है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं साइड इफेक्ट और नहीं तो रिएक्शन होता है। एलोपैथिक दवा का दो चीज होता है, रिएक्शन होता है नहीं तो साइड इफेक्ट होता है। लेकिन जो आयुर्वेदिक दवाई होता है उसमें क्या है होता है, आप अगर किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का बोतल देखेंगे उसमें लिखा होता है हार्मलेस मेडिसिन, बोले जाता हानि रहित औषधियाँ हैं, अगर वो खाएंगे तो रोग तो समझो समूल रूप से नष्ट करेगा ही करेगा, लेकिन शरीर के ऊपर आपका साइड इफेक्ट क्या रिएक्शन नहीं होगा। तो ये सब बोलेगा तो भगवान का बताने का एक सुंदर ढंग है। तो यहाँ पर इस अध्याय में भगवान इसी बात का ही चर्चा कर रहे हैं कि ये भौतिक जगत में ये सब बहुत तो रहने का ठीक जगह नहीं है। अनित्यम असुखम, एक तो ये शाश्वत नहीं है,
क्षणिक है, कुछ समय के लिए जगत है, और साथ साथ में बोलते बहुत प्रकार का दुख है। खास करके भगवत गीता में भगवान बता रहे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखो दोषानु दर्शन है, ये चार प्रकार का बहुत बड़ी दुख है। और ये तो समझो एक समझो अमेरिका का जाने का भौतिक पक्ष के बारे में हमने बताया। जहाँ अमेरिका में जो लोग निवास करते हैं वहाँ भारतीय लोग उनको दूसरे प्रकार से प्रचार करते हैं। वो बोलते हैं भारत में आने का क्या फायदा है, तुम्हारा अमेरिका कैसा बहुत खराब देश है। वो पहले बताते हैं कि आपका यहाँ जितना भी समझो निवास करते हैं तो सब समझो बहुत समझो पाप से ये है। पाप बोलेगा तो उधर अधिकतर लोग मांस खाते हैं, मांस खाने के लिए खास करके गौ मांस खाते हैं। गौ मांस खाने से क्या होता है, बहुत सारे गाय को काटना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा एक आदमी पाप करेगा ना बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रभाव गिरता है, और एक आदमी अगर अच्छा काम करता है तो वो भी बहुत लोगों को ऊपर प्रभाव गिरता है। जिस प्रकार अभी समझो यहाँ पर सुगंधित समझो अगरबत्ती लगाया जाएगा, मैं लगाऊंगा तो मुझे ही थोड़ी सुगंध आएगा, बैठने वाले सबको सुगंध आएगा कि नहीं। अभी समझो यहाँ मैं किसी समझो मरा हुआ कुत्ता को, दो दिन का मरा हुआ कुत्ता को लाके डाल दूंगा तो मुझे ही थोड़ी दुर्गंध आएगा, बैठने वाले सबको दुर्गंध आएगा ना। तो इस प्रकार बोलते हैं किसी समझो एक व्यक्ति का खराब कार्य करने से वो परिवार के ऊपर समाज के ऊपर भी समझो दुष्प्रभाव डाल सकता है। जिस प्रकार अभी समझो कितने अभी सब परीक्षा का समझो रिजल्ट आया ना, तो कितना सारे विद्यार्थी जो समझो बहुत मेरिट लिस्ट में आए हैं, जब भी उनको पुरस्कार देने के लिए बुलाया जाता है उनका माँ बाप को भी साथ में बुलाया जाता है, तो उनके साथ साथ में उनका माँ बाप भी सम्मानित करते हैं। वो परिश्रम करके पढ़ाई किया लेकिन जब भी उसको समझो सम्मानित करने का अवसर आता है तो माँ बाप को भी बुलाया जाता है। पढ़ाई किया ये है किंतु सम्मान किया जाएगा उसका परिवार को भी। इस प्रकार समझो कोई घर में चोरी किया तो ऐसा नहीं कि पुलिस वाले उसको तो ढूंढेंगे, वो भाग गया समझो तो जब तक नहीं मिलता उसका पूरा परिवार को आके परेशान करेंगे, कहाँ है तुम्हारा लड़का, उसको घर वाले परिवार को पूरा चैन से जीने भी नहीं देंगे। तो एक आदमी अगर भी कभी पाप करता है तो उसका जो असर है बोलते हैं किसी का परिवार के ऊपर पड़ सकता है, समाज के ऊपर पड़ सकता है। तो अमेरिका में जितने अधिकतर नागरिक है वो सब पाप में निवृत्त है, और वहाँ पर हमारा देश में क्या पीते हैं, पानी पीते हैं, और किसी का घर में अगर कोई अतिथि आता है तो उसको क्या देते हैं, चास नहीं तो समझो मिश्री शरबत, ऐसा कुछ हमारा देने का भारतीय विधान है। लेकिन विदेश में कोई समझो अतिथि आता है ना उसको क्या बोलते हैं, बियर या समझो किसी मदिरा का बोतल देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना समझो पापी लोग है। तो बताते हैं एक समझो लोगों किसी नागरिक का पाप के कारण पूरा समाज के ऊपर प्रभाव गिरता है। तो यहाँ का जो वातावरण है आपका रहने के लिए ठीक जगह नहीं, कभी भी विपत्ति आ सकती है। जय श्री श्री गौरनिताय भगवान की जय, श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान महाराज की जय। भगवान को भोग अर्पण करने के लिए केवल 20 मिनट के लिए मंदिर का पट बंद किया गया है, फिर से मंदिर का पट 8:30 बजे खुलेगा और ठाकुर जी का शयन आरती होगा। जो लोग फिर से भगवान का दर्शन आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं कृपा करके बैठे, और यहाँ पर कुछ भगवद गीता के बारे में चर्चा चल रही है उसमें भाग ले, बिल्कुल बात नहीं करें। तो पिछले साल अमेरिका में इतना समझो बर्फ गिरा कि 2 महीने तक प्रत्येक व्यक्ति को अपना घर के अंदर रहना पड़ा। तो सरकार ने पहले घोषित कर दिया था कि अभी 2 महीना तक इतना आइस गिरेगा कि कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता है। आप विचार कीजिए चारों तरफ आइस है पूरा और सब लोग अपना घर में बंद है, तो ये एक समझो पापमय जीवन का समझो दंडी होगा और क्या होगा। तो इस प्रकार वो बोलते हैं और भारत में आप आएंगे तो यहाँ बहुत पवित्र नदियाँ हैं जिससे आप स्नान करके अपना हृदय और शरीर का शुद्धिकरण कर सकते हैं,
भारत में बहुत पवित्र नदियाँ हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, जहाँ पर स्नान करते ही समझो मनुष्य का हृदय में सत्वगुण जागृत हो जाती है। और अभी हम लोग गए थे, प्रभुपाद बहुत जगह में भागवतम का तात्पर्य में लिखे हैं कि अगर कोई विश्वास के साथ गंगा जल पीता है और गंगा में स्नान करता है तो जीवन में कभी उसको शारीरिक बीमारी भी नहीं आएगा, इस जीवन का अंत पर भगवत धाम चला जाएगा। प्रभुपाद बोलते हैं कलकत्ता में एक समझो ब्राह्मण व्यक्ति रहते थे और जब भी उनको बीमार होते थे वो जाके गंगा जल पी लेते थे, उनको पूर्ण विश्वास था कि गंगा जल से मेरा ठीक हो जाएगा और हो जाता था। और उधर जो खाने को भी इतना अच्छे वस्तु नहीं मिलती है, प्रसाद की दृष्टि में भी देखा जाए भारत में जितने समझो खाने का व्यंजन उपलब्ध है वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। वहाँ पर क्या मिलता है, खाली कुछ ब्रेड सब आपका ओवन में पकी हुई समझो वस्तुएँ मिलती है। ये जो ओवन में जो भी चीज़ बनती है, आपका बिस्किट है, ब्रेड है, जो भी है, ओवन में किसी भी चीज़ को बनने के लिए 400 सेंटीग्रेड तापमान की ज़रूरत होती है। जब भी 400 सेंटीग्रेड तापमान में वो सब वस्तुएं की पकाई जाती है उसमें जितना सार तत्व है वो सब जल जाता है। हम लोग जो खाते हैं खाली एक वो पेट भरने के लिए खाते हैं और साथ साथ में ये जितने भी समझो खाद्य वस्तुएं बनती है वो सब मैदा में बनती है। मैदा में क्या होता है, वो एक चिकटपन रहता है, उसको इंग्लिश भाषा में स्टिकी फूड या समझो स्टिकी फूड बोलते हैं उसको। स्टिकी बोलेगा तो ऐसा चिपकने वाला है, वो हमारा आंतड़ी में जाके सब चिपकता है और बहुत हजम करने में भी बहुत हानिकारक है। तो इस प्रकार और वहाँ पर इतना भारत में जितना समझो सब्जियाँ उपलब्ध है उधर उतना सब्जियाँ भी उपलब्ध नहीं। कुछ गाजर, बीट, आलू जो जमीन में नीचे होने वाला सब्जियाँ मिलती है उसको बॉयल करके खाते हैं। लेकिन भारत में इतना समझो सुंदर सुंदर व्यंजन है उपलब्ध है और भगवान के प्रसाद के रूप में, बोला आप खाते ही समझो बहुत आपका एक प्रकार का दिव्य आनंद का अनुभव होगा। हमारा एक मित्र रहते थे ऑस्ट्रेलिया में, वो बता रहे थे, वो बोलते वो कभी कभी कुछ समझो ब्रह्मचारी भक्त लोग को अपना घर में निमंत्रण देते थे, विदेशी भक्त लोग को, तो दक्षिण भारतीय थे तो कुछ मिठाइयाँ, स्वीट राइस, रसगुल्ला और कुछ चटनी सांभर, वो बोलते थे इतना खा लेते थे जितना बनाते थे उतना कम गिरता था, फिर दोबारा प्रश्न करते थे फिर हमको कभी निमंत्रण देंगे। तो हमारा जो सिडनी में फिडनी में ऑस्ट्रेलिया में जो गोविंदा रेस्टोरेंट है उनका बारे में बता रहे थे, वो बताते हैं बाहर ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी आप समझो प्रसाद खाने के लिए जाएंगे तो एक प्लेट का $40 है और हमारा गोविंदा में $19 है। वो बोलते हैं जब भी लंच टाइम होता है वो बोलते हैं वो सब ऑस्ट्रेलियन लोग इतना बड़ा बड़ा टाई पहन के गोरे गोरे लोग, उधर क्या है बफे सिस्टम है, पहले आप जितना चाहिए लीजिए फिर बैठ के खाइए, $19 है। और बोलते हैं इतना समझो क्यू लगता है, कम से कम लाइन में 200 से 300 आदमी क्यू में खड़ा होके ये करते हैं। इतना बोलेगा तो क्या बोलते हैं बहुत सारे अलग अलग समझो व्यंजन, उतना आनंद आता है उनको, बोलेगा तो भारतीय शैली तो कम से कम 200-300 लोग क्यू में खड़ा होके वो लेते हैं। तो भारतीय लोग वहाँ बताते हैं कि आपको भारत में आइए हम विभिन्न प्रकार का हजार प्रकार व्यंजन बना के आपको खिलाएंगे, गंगा जमुना नदी जैसा पवित्र नदी में स्नान कीजिए। और साथ साथ में भारत में बहुत सारे धाम हैं, धाम का अर्थ है जब समझो भगवान वहाँ आके लीला विलास करके वहाँ से गए हुए हैं और जहाँ जहाँ भगवान लीला विलास किए हैं वो स्थान अभी भी समझो है। जब भी हम वहाँ पर जाते हैं तुरंत ही भगवान की उन लीलाओं का क्या होती है स्मरण आ जाती है और साथ साथ में उस धाम में भगवान के बहुत प्रेमी भक्त लोग निवास करते हैं और हमेशा वहाँ पर भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का बारे में समझो चर्चाएं चलती रहती हैं जिससे कि आप वो सब भगवान का समझो
नाम कीर्तन सुन के भगवान का लीला के बारे में सुन के तो आप तुरंत ही समझो आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो वहाँ पर अमेरिका का लोगों को उन लोग आध्यात्मिक पहलू के बारे में बताते हैं। और ये जो विदेश में तुलसी वृक्ष होता नहीं है, जब भी हम लोग वैष्णव धर्म में हम लोग क्या है, तुलसी का बहुत महत्व है। जब भी हम लोग समझो भगवान का भोग लगाते हैं उसके लिए तुलसी की आवश्यकता होती है। तो जो ठंडी में तुलसी का जो पौधा उगता नहीं है, अभी हम श्रीनगर गए थे वहाँ भी हमारा मंदिर में हम देखे, हमारा जो गर्भगृह है उसमें तुलसी महारानी नहीं है, उसमें तुलसी महारानी का तैल चित्र है, फोटो है। क्योंकि वहाँ हमने वो प्रभु जी को जिज्ञासा की तो बोलते इतना ठंडी होती है कि तुलसी यहाँ पर वो पूरा वृक्ष लगाते हैं समझो ठंडी में वो सूख जाता है। लेकिन अभी हम बद्रीनाथ भी गए थे, बद्रीनाथ में अब जाएंगे देखेंगे इतना समझो तुलसी का हार है, भगवान को चढ़ाया जाता है और वहाँ पर लोग समझो बिक्री करते हैं। आप अनुमान नहीं लगा से कितना तुलसी कम, अरे मुझे आश्चर्य लगा, बोला हम अभी श्रीनगर में गए थे वो भी वहाँ पे समझो ठंडी है, लेकिन बद्रीनाथ में चारों तरफ आइस का पहाड़ है, बीच में जगह है, वहाँ पर इतना तुलसी कैसा उपलब्ध है। तो हमने वहाँ का जो पंडित लोग हैं उनसे जिज्ञासा की, बोला ये इतना तुलसी यहाँ पर कैसा उपलब्ध है इतना ठंडी पे। तो उन्होंने सामने एक पहाड़ दिखाया, दो तीन पहाड़ दिखाया, बोला ये पहाड़ी पूरा तुलसी का है। आप देखेंगे बद्रीनाथ में वो जहाँ बद्रीनाथ जी का मंदिर है सामने पूरा तुलसी का समझो पहाड़ है, वो बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं। वो बोले या बद्रीनाथ का कृपा से, बोला ये पहाड़ी पहाड़ है, तीन चार पहाड़ी तुलसी पत्ता है। तो बोलते हैं उन लोग तुलसी पत्ता तोड़ के बहुत सुंदर हार बना के भगवान को अर्पण करते हैं। तो ये एक समझो बताने का शैली है। तो सचमुच ये अगर देखा जाए तो ये भौतिक जगत बहुत समस्या का जगह है। तो अभी बाहर का लोगों को एक समस्या है, रात को नींद नहीं आती है, इसके लिए बहुत दवाई खा रहे हैं, क्या क्या उनको मानसिक तनाव शारीरिक पीड़ा शारीरिक कष्ट। लेकिन हमने देखा हमारा भक्त लोग को नींद से परेशान है, जैसे ही समझो जप करना प्रारंभ करते हैं, कुछ प्रवचन सुनना सवेरे प्रारंभ करते हैं राधा माधव प्रारंभ होते ही नींद आ जाती है। तो भक्त लोग बाहर का लोग नींद नहीं आ रहा है उसके लिए परेशान है, भक्त लोग चाहते हैं कि नींद नहीं आए भगवान का भजन करे वो नींद से परेशान है। तो सचमुच ये जगत है ना बहुत परेशान का जगह है। अभी किसी को संतान नहीं है कोई परेशान है, किसी को लड़की हो गया लड़का चाहिए वो परेशान है, किसी को लड़का हो गया बदमाश निकल गया वो परेशान है, किसी को अधिक बच्चे हो गए उसको पालन पोषण करने के लिए क्षमता नहीं है वो परेशान है, और किसी को संतान नहीं है अनाथ आश्रम में जाके बच्चे लोग को लेके आकर रख रहे। बोलेगा तो सचमुच किसी भी प्रकार कैसे भी लोग बहुत परेशान में। तो भगवान बता रहे ऐसा परेशान वाला जगह में रहना ही नहीं है, और ये परेशानी का कोई शाश्वत समाधान भी नहीं है जब तक इस जगत में रहेंगे। जब तक पूर्ण कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे फिर ये समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन जब तक कोई पूर्ण कृष्ण भावनामृत नहीं होता है ये समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए भगवान बता रहे हैं कि भगवान का प्रेम पूर्वक सेवा करके भगवत धाम चले जाइए। तो यहाँ पर जो दूसरा बात बता रहे हैं ये विशिष्ट श्लोक में, मया अध्यक्षण प्रकृति सुयेते से चरा चरम हेतु नाना ने कौनते जगत भी परिवर्तित है। तो आजकल ये जो हमारा विश्वविद्यालय तक पढ़ाया जाता है कि विस्फोट से ये जगत अस्तित्व में आया है। तो पहली बार जब भी हम वो विद्यार्थी जीवन में पढ़े हमको पता चल गया ये एकदम बोलेगा तो ज्ञान नहीं है अज्ञान है, बोला कैसा विस्फोट से सब कुछ संभव हो सकता है। ये कोई अगर छोटा समझो अज्ञानी बालक को भी पूछेंगे तो बता देगा कि विस्फोट से कुछ नहीं होने वाला, बोल के होगा तो क्या दुर्घटना होगा क्षति होगा और क्या होगा। तो ये विश्वविद्यालय तक पढ़ाया जाता है कि ये जगत का अस्तित्व का कारण है विस्फोट। और बोलते हैं ऐसा एक विस्फोट हुआ
और कालांतर में उसमें क्रिया प्रतिक्रिया होके फिर सब जीवन सती का उद्गम हुआ और क्रम विकास प्रक्रिया से मनुष्य तक आ गया। तो ये कितना समझो एक अज्ञान है और उसको आज विश्वविद्यालय में उसके ऊपर लोग पीएचडी कर रहे हैं। तो इसके ऊपर अभी एक जर्मनी में कई परीक्षण कर रहे हैं कि विस्फोट बोलेगा तो कितना, आप हिसाब नहीं लगा से कितना पैसा, बहुत पैसा खर्च करके उसको परीक्षण कर रहे हैं। आप देखिए कुछ भी ऐसा विस्फोट से कुछ हुआ है, अभी कोई सोचेगा ये जो इतना मंदिर समझो विस्फोट से उत्पन्न हो गया, किसी भी चीज विस्फोट से उत्पन्न, अगर ये अगर मंदिर बनाने में देखो कितना समझो लोगों का बुद्धि लगा है, कितना समझो सामान एकत्रित किया गया, कितना लोगों का समझो इसमें शक्ति ये किया गया है, शक्ति ने अपना शक्ति लगाया है ये मंदिर निर्माण करने के लिए, कितना बुद्धि लगाया है, लेकिन ये एक समझो बोल रहे हैं अपने आप हो गया। तो एक बार भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज हमारा वैज्ञानिक महाराज थे, उनको कुछ वैज्ञानिक इस प्रकार जब तर्क दे रहे थे, उनको तर्क को काटने के लिए उनको एक प्रश्न किया, बोला आप पहले बताइए आप अपने आप आए कि आपका माँ बाप से आए हैं। उनने बोला भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज तो ऐसे इसी प्रकार का प्रश्न पूछ रहे थे, तो उनको लगा कि अभी उनको अगर सही ढंग से जवाब देंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, उनको थोड़ा उनका तरीके से जवाब देना पड़ेगा। तो बोले आप अच्छा मैं आपका कहना मानता हूँ, पहला मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप अपने आप आए कि आपका माँ बाप से आए हैं। तो बोला माँ बाप से आए हैं, तो आप क्यों अपने आप में नहीं आए। बोलते हैं ये संसार देखिए कितना सुचारू ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है, वो भी इसके पीछे किसी का समझो बुद्धि नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ी बुद्धिमान व्यक्ति का हाथ है। आप देखिए हम लोग क्या छोड़ रहे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे, और वृक्ष क्या कर रहे उसको ले रहा है, और वो क्या छोड़ रहा है ऑक्सीजन छोड़ रहा है जो कि नित्यांत आवश्यक है। और प्रत्येक समझो किसी भी जीव को भगवान ने देखिए ऐसा बुद्धि दिया और इस प्रकार का सुचारू ढंग से समझो चल रहा है। ये हमारा शरीर का बारे में ले लीजिए, डॉक्टर लोग बोलते हैं अभी तक हम शरीर का जो कैसा संचालन हो रहे और किस प्रकार ये शरीर इतना समझो जटिल यंत्र बना है, तो कैसा कार्य कर रहा है हमको भी अभी तक समझ में नहीं आया बोल रहे। तो बोल रहे हमारा जो हृदय को, हृदय से जो रक्त सब संचारित होते हैं तो एक समय में 20 नस काम करती है, लेकिन उसमें 100 नस है। जब 80 के ऊपर समझो 85, 85, 90 वो जो रक्त का धमनी है उसमें कुछ तेल फैल जाके वो जाम हो जाता है, उसमें रक्त प्रभाव नहीं होता है, तभी बोलते ब्लॉकेज हो गया, तुरंत उसको क्या बाईपास सर्जरी करते हैं। जबकि एक साथ में अगर हमारा 20 समझो धमनी का काम कर रही है तो 100 कैसा है। तो भगवान को पता है कि ऐसा धमनियाँ धीरे धीरे ये लोग जो है खा पी के सब उसको बंद करेंगे, तो इसके लिए उसको 100 बनाया है। तो इतना समझो जटिल समझो यंत्र के बारे में वैज्ञानिक लोग भी नहीं बता पा रहे, कितना सुव्यवस्थित ढंग से बहुत बड़ी योजना से बनाई गई है। अभी देखो हम लोग बोलते हैं आजकल वैज्ञानिक बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन जब भी समझो किसी को खून की जरूरत गिरती है तो क्या करते हैं, दूसरा की खून को लेना पड़ता है, कोई खून बना नहीं सकता है। वो भी खून क्या पता है आपको, देखो ये मट्टी है, मट्टी का माध्यम से वो भगवान बीज डालो उसमें से वृक्ष हो जाती है, उसमें कुछ फल सस्य और सब्जियाँ होती है, मट्टी का विकार हो गया, और वही मट्टी का जब विकार खाते हैं उसमें हमारा बाल होता है, नाखून होता है, हड्डी होता है, मांस होता है, रक्त होता है, और ये हड्डी मांस रक्त बाल नाखून कोई भी बना नहीं सकता है। कभी किसी का समझो कट गया, किसी के मांस की जरूरत होता है या खून की जरूरत होता है, हड्डी की जरूरत होता है,
और भगवान का द्वारा बनाई गई कोई मांस या रक्त को लेना पड़ता है। आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट करके खून मांस हड्डी नहीं बना सकते। तो इस प्रकार ये जो शरीर भी इतना सुचारू ढंग से चल रहा है उसमें विभिन्न बोले तो शरीर का उपयोगी वस्तुएं उत्पन्न हो रही है, क्या वो किसी बिना बुद्धिमान व्यक्ति का मस्तिष्क से ऐसा हो रहा है? लेकिन कुछ समझो, अभी अज्ञानी वैज्ञानिक लोग ने कुछ अपना मनोकल्पना करके समझो बोल दिए और दूसरा लोग उसको विश्वास कर लिया और उसको बहुत विश्वविद्यालय तक पढ़ाया जा रहा है। लेकिन भगवान यहाँ पर बता रहे हैं मेरी अध्यक्षता में ही ये सभी प्रकार का कार्य हो रहा है। ये इतना जो विराट जगत सुव्यवस्थित सुचारू ढंग से चलाए मान है उसके पीछे ये भगवान का समझो बहुत बड़ी बुद्धि है। आप देखिए प्रत्येक जो जीव है उस उनका जो समझो आहार निद्रा भय मैथुन के लिए जितना वस्तुएं जरूरत है इतना वो समझो निपुणता से अपना बुद्धि से करते आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी ये लोग खटमल से परेशान है तो ये खटमल को कैसा पता चलता है मालूम है? मनुष्य का खून जब भी उसके ऊपर शोध किया गया पता चला मनुष्य जब भी समझो प्रसाद छोड़ता है ना प्रसाद का गंध से उनको पता चलता है कि यहाँ पर समझो हमारा खाने का आहार है और तुरंत ही वो वहाँ पर आ जाती है। अभी देखिए छोटी मूंगी है वो उसका जो शक्कर फक्कर है आप कहीं भी रखिए उनको पता चल जाता है कि हमारा आहार है। ये आप जानते होंगे ये एक हमारा जो सिलाई मशीन का कैसा आविष्कार हुआ। एक पक्षी एक प्रकार का घर बनाता है। कभी कभी आप देखोगे बॉम्बे का बाहर जाएंगे तो वृक्षों में उनका घर लटका होगा। एक समझो एक रस्सी होगा उसमें ऐसा सब बुन के वो पूरा घर होगा। उसका बीच में एक होल होगा उसके अंदर जाके वो घर बनाते हैं। तो उसके समझो मनुष्य सीखा कि ये कैसा सिलाई करना है। तो किस प्रकार बोलेगा तो उनको अगर बुद्धि दिया है तो किसी बड़े बुद्धिमान व्यक्ति तो दिया होगा, किसी की अध्यक्षता में तो ऐसा सब हो रहा है। और एक वैज्ञानिक ने उसके बारे में एक चलचित्र बनाया आर्किटिक नेचर बोल के, उसमें बताया गया ये जो हमारा मधुमक्खी लोग है ना उनका मधु छत्ता के बारे में। जब भी मधुमक्खी लोग मधु छत्ता बनाते हैं ना उसमें उनका रहने का कमरा अलग होता है, उनका जो स्टोरेज हाउस है ना वो अलग होता है। वो मधुमक्खियों का एक समझो रानी मधुमक्खी होती है और राजा मधुमक्खी होता है, उनका रहने का कमरा उसके अंदर अलग होता है और छाता के अंदर बोले देखिए उनका भी समझो उनसे मनुष्य बहुत कुछ सीखता है। तो कैसा आप समझो विचार कर सकते हैं कि ऐसा सब आपने अब चल रहा है, मधुमक्खी को कौन बुद्धि दिया? और एक व्हाइट आंट होता है ना व्हाइट आंट, उन लोग भी जब घर बनाते होंगे आप देखे होंगे कभी कभी वो सब मट्टी का बनाते हैं, उसका घर का अंदर भी उन लोग का जो घर का जो सामान रखने का खाद्य वस्तु का अलग स्टोरेज हाउस होता है, रहने का अलग, विश्राम करने का अलग। तो उनका भी अगर जीवन शैली बुद्धि इतना विकसित है तो कैसा समझो उनको कोई बुद्धि नहीं दिया? तो ये जो भौतिक जगत इतना समझो सुचारू ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है भगवान बता रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में ये सब हो रहा है। और यहाँ पर प्रभुपाद एक बता रहे हैं कि ये भगवान को जब भी ये सृष्टि रचना करने की होती है तो वो खाली भगवान जो प्रधान जो महत्त्व ये जो भौतिक प्रकृति रहती है जिसको सम्मिलित रहता है जिसको प्रधान बोलते हैं खाली उसके ऊपर दृष्टि निक्षेप करते हैं। जैसे ही भगवान वो प्रधान के ऊपर दृष्टि निक्षेप करते हैं तो उसमें विकार होना प्रारंभ हो जाती है। तो वो फिर महत्त्व से तीन गुणों का विकार होती है और फिर तीन गुणों से अलग अलग गुणों से मन बुद्धि अहंकार ऐसे हो के फिर ये जगत का समझो अस्तित्व में आता है। और इस प्रकार भगवान जिस प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं अभी समझो किसी को समझो संतान चाहिए तो अगर स्त्री गर्भ धारण करने का क्षमता रहती है उसमें लेकिन पुरुष का जब तक संबंध होगा
तब तक नहीं होगा, तब तक वो समझो गर्भ धारण नहीं कर सकता। भले ही भौतिक प्रकृति सब उत्पन्न करने में समर्थ रहती है, लेकिन जब तक भगवान उसके ऊपर दृष्टि निक्षेप नहीं करते हैं, उसके ऊपर शक्ति संचार नहीं करते हैं, तब तक बोलते हैं ये भौतिक प्रकृति अपने आप में बोलेगा समर्थ होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता है। जब तक भगवान उसके ऊपर दृष्टि निक्षेप करके शक्ति संचार नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये जितने भी समझो सृष्टि चल रही है वो भगवान के अध्यक्षता में चल रही है, ना कि अपने आप में अपने आप सब हो रहा है। जय श्री श्री गौर निताई भगवान की जय, श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।